गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज दीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अदर न्यू वीडियो। तो गाइस यार, आपको पता है मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बोला? क्योंकि गाइस यार, आज का ये वीडियो ब्लॉग नहीं है, ठीक है। आज के ये वीडियो एकदम नॉर्मल वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन जानकारी देने वाला हूँ। पहला जानकारी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और दूसरा जानकारी खराब है, और तीसरा जानकारी खराब भी है अच्छा भी है, ठीक है। सो आप लोगों को तीनों चीज़ बताने से पहले ना, मतलब तीनों चीज़ जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू आ रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस यार, हमारा पहला रीज़न, ठीक है, सबसे अच्छा वाला रीज़न, एक मिनट गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। बात मतलब वो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, ठीक है। YouTube से मुझे पर्सनली मैसेज आया, जो कि मेरा वॉच टाइम होता है ना, जैसे कि 4000 घंटा और कुछ भी। मतलब देखो गाइस यार, हमारा YouTube का यही रूल्स होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी, मतलब शेयर नहीं करना, सब कुछ प्राइवेसी रखना है, शेयर करना है लेकिन छोटे मोटे से। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारा जो अर्निंग की, मतलब क्या बोलती है, अर्निंग की जो मेन वेब सीरीज होती है ना, जैसे कि यूट्यूब में एक सीरीज दिया जाता है, आप लोगों को 4000 घंटा वॉच टाइम जो है वो पूरा करना पड़ता है। सो फाइनली गाइज, आज कल रात करीब 10 बजे से मुझे, मतलब देखो, ईमेल आया था, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से, क्या बोलूँ, ऑफिशियली ईमेल आया था, ठीक है। सो ईमेल में लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर 4000 वॉच टाइम इज़ कम्प्लीट, ठीक है। सो गाइस, इसको मतलब जानने के बाद मेरे को लगा कि फेक है, ठीक है, कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। सो मैं यूट्यूब पे गया और इसको सर्च किया, ठीक है, सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढ के देखा, जी हाँ गाइस, ये ऑफिशियली वेबसाइट है। सो गाइस, आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, ठीक है। फाइनली गाइस, हमारा नहीं गाइस, मेरा अर्निंग जो है वो स्टार्ट ही होने वाला है। लेकिन गाइस यार, अर्निंग स्टार्ट होने से पहले एक छोटी मोटी दिक्कत है, पता है क्या? वो है, अभी मेरे 600 सब्सक्राइबर है, ठीक है। सो 1K नहीं हुआ है। जब मेरे 1K शुरू होंगे, तो 1K शुरू होंगे ना, तब करीब समझ लो 1K शुरू होने के बाद मेरे चैनल पे ऐड आएगा, उसके बाद मोनेटाइजेशन होगा, उसके बाद जाके मेरा पहला अर्निंग जो है वो आएगा, ठीक है। वर्स्ट टाइम पूरा हुआ है, इसका मतलब अभी नहीं आएगा, ठीक है। सो मतलब पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मेरे 600 सब्सक्राइबर है, ठीक है, जब मेरा 1K कंप्लीट होगा तो चैनल पे ऐड आना शुरू होंगे, उसके आगे नहीं होंगे, ठीक है। सो गाइस यार, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे 1K कंप्लीट करा दो, जहाँ से भी हो यार, प्लीज़ यार, आप लोग इंस्टा में शेयर करो, जहाँ पे भी हो शेयर करो, प्लीज़ यार गाइस, ओनली 400 सब्सक्राइबर, ठीक है। क्या बोलूँगा, जैसे मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे ना, मेरे चैनल पे ऐड आना शुरू होंगे, तो पहले ही मेरा अर्निंग जो आएगा वो मैं आप लोगों को पूरा रिवील कर दूँगा, ठीक है। और उस अर्निंग ना ही मैं घर पे देने वाला हूँ, ना ही अपने लिए खर्च करने वाला हूँ, ना ही मतलब मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है। उस अर्निंग से मैं अपना, क्या बोलूँ, पहला एक्शन कैमरा परचेस करूँगा, वो भी ऑनलाइन, वो भी मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करूँगा। सो मतलब सब कुछ डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताते रहूँगा, ठीक है। सो यही हमारा पहला गुड न्यूज़। सो गाइस, सेकंड गुड न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है। गाइस यार, सेकंड गुड न्यूज़ है कि देखो, 22 तारीख हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, और अभी मेरे को, क्या बोलूँ गाइस यार, पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। सो मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं कि अभी ये सब छोड़, पढ़ाई में मन लगा, सामने एग्ज़ाम है, मेरे मम्मी पापा भी बोलते। तो उन लोग की बात मैंने सोच ली, ठीक है। मैं कल रात भी सोचा था कि अभी करीब 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ के लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है उसको डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है, उसको मैं अपना बंद कर दूँगा, ठीक है, पोस्ट करके रख दूँगा या फिर पेंडिंग पे रख दूँगा। सो 2 महीने ना ही कोई ब्लॉग आएगा और ना ही कोई वीडियो आएगा। सो ये वीडियो आज मेरा लास्ट वीडियो है, उसके बाद 2 महीने के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब मेरा पहला पेमेंट भी मेरे पास होगा, और मेरा पहला पेमेंट तो नहीं होगा, मतलब एक्शन कैमरा मेरे पास होगा, ठीक है, उस पेमेंट से मैं अपना एक्शन कैमरा जो है वो परचेज कर लूँगा। सो यही है दूसरा रीज़न, ठीक है। और तीसरा रीज़न, जैसे कि गाइस पता है आप लोगों को, तीसरा रीज़न अच्छा भी और बुरा भी है। जैसे कि गाइस पता है आप लोगों को, 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख मैट्रिक है, ठीक है। सो गाइस, मैं 10th, जिनको को नहीं पता, ठीक है, मैं 10th में पढ़ता हूँ और 15 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, पूरा मैट्रिक है। अगर इसमें मतलब रिजल्ट ख़राब हुआ ना, तो घर वाले मेरे से मेरा मोबाइल भी छीन लेंगे और सब कुछ छीन लेंगे, ठीक है। सो मेरा प्लान था कि मतलब घर वाले, अगर मैं मैट्रिक अच्छा सेकंड डिवीज़न या फिर थर्ड डिवीज़न में जाऊँ, तो घर वाले मेरे को बाइक लेके देंगे, अगर मैं फेल हुआ तो ये भी नहीं ले सकता। सो यही तीन रीज़न है, ठीक है, आज का ये वीडियो बनाने का। सो गाइस यार, आशा करूँगा आप लोगों को ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आ रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से 1K करा दो 2 महीने के अंदर, ताकि मेरा पहला पेमेंट जल्दी आ जाए।